अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड क्लास का कंप्यूटर, कंप्यूटर एन अमेजिंग मशीन। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर होता है जिसे छुआ नहीं जा सकता, कैन नॉट बी सीन, और ना ही देखा जा सकता है, और जो आपका हार्डवेयर होता है उसे आप छू सकते हो, टच कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ हार्डवेयर, ठीक है। बेस्ड ऑन इट्स फंक्शन, हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर इज फर्दर क्लासिफाइड इंटू फोर पार्ट्स, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। आप इसके आगे फंक्शंस के आधार पर, जो भी ये कार्य करते हैं उसके आधार पर हार्डवेयर को ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के हार्डवेयर को फर्दर आगे आप क्लासिफाइड कर सकते हैं, इसे बांट सकते हैं इंटू फोर पार्ट्स, चार भागों में, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइस। इनपुट देखिए क्या होता है, जो भी आप डाटा उसके अंदर फीड करते हो, जो भी आप डाटा डालते हो। प्रोसेसिंग होता है प्रक्रिया, कई बार आप मोबाइल पे भी आप कुछ चलाते हो तो बोलते हो ना प्रोसेसिंग हो रहा है, तो इट मीन्स वो काम कर रहा है, मीन्स प्रक्रिया चल रही है उसकी, और फिर उसके बाद आपको आउटपुट मिलेगा, मीन्स टू से वट एवर जो भी आपने डाला है उसके अंदर, ठीक है, उसका जो आउटपुट, जो आप रिजल्ट चाहते हो वो चीज आपको मिलेगी, आउटपुट। स्टोरेज डिवाइस होता है डिजिटली, जब हम किसी चीज को, कोई भी डाटा है, इंफॉर्मेशन है, जब हम स्टोरेज डिवाइस में मीन्स सेव करते हैं उस चीज को, तो डिजिटली जो चीज स्टोर हो जाती है, जैसे कि आप कभी भी कोई भी कंटेंट है या कोई भी फाइल है आप सेव रख के करना चाहते हो, मीन्स सेव रखना चाहते हो कंप्यूटर में, तो उसे स्टोरेज डिवाइस बोला जाता है, ठीक है। सम इनपुट डिवाइस, कुछ जो इनपुट डिवाइसेस हैं, यंत्र उनके नाम वो देखिए। एंड इनपुट डिवाइस इज यूज्ड टू एंटर डाटा एंड गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस जो होता है, जो भी आप उसमें डालते हो, जैसे कि एंटर डाटा, आप कोई भी डाटा है या आंकड़े, जो भी आप, या इंस्ट्रक्शन, जो भी निर्देश हैं आप कंप्यूटर को देते हो, उसमें डालते हो, द कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस आर, ठीक है। अब उनके नाम बताए गए हैं जो कॉमनली यूज किए जाते हैं, मींस इनपुट डालने में, जैसे कीबोर्ड इज अ मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस यूज टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू अ कंप्यूटर। कीबोर्ड देखिए क्या होता है, मोस्ट कॉमनली, बहुत ही कॉमन यूज होता है इनपुट डिवाइस, मतलब डालने में, यूज टू एंटर डाटा, कोई भी आप डाटा है या इंस्ट्रक्शन है, जो भी आप उसके अंदर कंप्यूटर में फीड करना चाहते हो, तो ये जो कीबोर्ड की हेल्प से ही आप करते हो, है ना। तो अ कीबोर्ड हैज मैनी कीज ऑन इट, कीबोर्ड में बहुत सारी कीज होती है, देखिए ये इतनी सारी कीज है ना, तो हर चीज का अलग अलग कार्य होता है, ठीक है। एंटर कर दोगे आप तो वो चीज एंटर हो जाएगी, ठीक है, ये स्पेस देने के लिए ये स्पेस होता है, ठीक है। तो इसमें हर जो कोई भी सारी कीज जो है अपने अलग अलग उस पर काम करती है। नेक्स्ट है आपका माउस, अ माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस विच अलाउज अस टू गिव कमांड एज इनपुट। माउस जो होता है वो डिवाइस मीन्स जो भी आपका यंत्र है उसको पॉइंट करने के काम आता है, ठीक है, कि आप इसकी हेल्प से कमांड जो है वो पॉइंट आउट करते हो और फिर उसका आपको रिजल्ट मिलता है। वी यूज अ माउस टू पॉइंट एट सेलेक्ट एंड मूव ऑब्जेक्ट ऑन द मॉनिटर, ठीक है, उसको मूव करने में या हिलाने में, आप जब भी आप माउस का यूज करते हो तो आप माउस का ही यूज करके उस चीज को, जो भी आप कंटेंट है, जैसे कीबोर्ड है आप करना चाहते हो, तो माउस की हेल्प से ही आप इसको अगर यहां लेके आना चाहते हो तो इसकी हेल्प से ही पॉइंट आउट करके इसको यहां लेके आओगे, ठीक है। तो ये चीज होती है मॉनिटर पे। नेक्स्ट है आपका अ जॉयस्टिक, अ जॉयस्टिक इज यूज टू प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर। जॉयस्टिक का आप यूज कहाँ करते हो, गेम्स खेलने में, ठीक है, कंप्यूटर पे जब भी आप गेम खेलते हो तो जॉयस्टिक का यूज करते हो। एंड द स्टिक इज यूज टू मूव इन एनी डायरेक्शन वाइल प्लेइंग गेम्स, जब भी आप गेम खेल रहे होते हो उस दौरान आप उस चीज को, स्टिक का यूज करते हो उस चीज को मूव करने के लिए, ठीक है, गेम जब भी आप खेलते हो मूव करने की जरूरत पड़ती है ना इधर से उधर, तो आप स्टिक का यूज करते हो। अ वेबकैम इज अ कैमरा दैट इज अटैच टू द कंप्यूटर टू कैप्चर फोटोज एंड वीडियो। वेबकैम का आप यूज करते हो, जो कि कैमरा होता है जो अटैच होता है कंप्यूटर से, जो कि फोटोज और वीडियोज को अटैच करने में काम आता है, ठीक है, जो कि अटैच होता है वेबकैम से। इट इज मेनली यूज फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, देखिए वीडियो चैटिंग अलग होती है, कॉन्फ्रेंसिंग अलग होती है। कॉन्फ्रेंसिंग बहुत सारे लोग जब एक साथ वीडियो चैटिंग या फिर कॉन्फ्रेंस में लेके कॉल करी जाती है, वीडियो करी जाती है, तो उस चीज में यूज होता है इसका, है ना। अ माइक्रोफोन इज यूज टू रिकॉर्ड आवर वॉइस एंड अदर साउंड इन टू द कंप्यूटर। माइक्रोफोन का यूज होता है, देखिए वॉइस है और दूसरे जो साउंड है, ठीक है, उसमें यूज होता है रिकॉर्ड करने में, माइक्रोफोन का यूज, ठीक है। तो द रिकॉर्डेड साउंड इज देन सेव्ड एज अ साउंड,
तब जो रिकॉर्डेड साउंड है वो सेव हो जाता है साउंड फाइल में ऑन अ कंप्यूटर, कंप्यूटर की साउंड कार्ड इनेबल द कंप्यूटर टू रिकॉर्ड साउंड इनपुट फ्रॉम अ माइक्रोफोन कनेक्टेड टू द कंप्यूटर. जो कि माइक्रोफोन कनेक्टेड होते हैं कंप्यूटर से, वो सक्षम होते हैं इस चीज को रिकॉर्ड करने के लिए साउंड को कंप्यूटर में. ठीक है, नेक्स्ट है आपका देखिए स्कैनर. और स्कैनर कॉपीज अ पिक्चर और टेक्स्ट प्रिंटेड इन टू द कंप्यूटर. ठीक है, देर आर मेनी टाइप ऑफ स्कैनर्स. देखिए स्कैनर का यूज क्या होता है कि टेक्स्ट, जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है या प्रिंट है जो भी आपका, उसको कॉपी करने के काम आता है ये. देर आर मेनी टाइप ऑफ स्कैनर, बहुत तरह के स्कैनर्स होते हैं. द मोस्ट कॉमनली यूज स्कैनर, जो कि बहुत कॉमन यूज किया जाता है स्कैनर, कौन सा होता है, फ्लैटबेड एंड बारकोड स्कैनर. ठीक है, आज हम स्टूडेंट्स इतना ही पढ़ेंगे. नेक्स्ट हेयर आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू होमवर्क, जस्ट कंप्लीट इट. थैंक यू.